करो एनोनिमिटी बंद करने। हेलो 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 एवरीवन। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो फिर आप जल्दी यार लेंस शुरू करते हैं, तब से थोड़ा सा पार्टी हो पा रहा है। लेंस में देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला देखा था, सॉरी लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ, अभी हम लोगों को लेंस फॉर्मूला करना है। लेंस फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो तो उससे पहले एक चीज ये समझ लेते हैं, देखो तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कोई भी अगर हम लेंस लेते हैं, मान लो हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, ऐसे कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी एक साइड की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक साइड प्लेन है और इसका जो म्यू है वो है 3/2 और रेस में इस साइड से आ रही है, तो हमें अभी इसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो इस सिचुएशन में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? हेलो हेलो। हाँ सर बोलो सर। हाँ सर अब बोलो सर। इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? सर ट्वेंटी सेंटीमीटर। 1/f इक्वल टू आ जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1। r1 कितना होगा? फर्स्ट सरफेस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये पड़ेगा, तो इसका रेडियस, इसका रेडियस प्लस होगा या माइनस? प्लस प्लस, क्योंकि इस साइड आ रहा है ना, और सेकेंड सरफेस प्लेन है इसलिए उसका इनफाइनाइट, तो ये यहाँ पे डाल देंगे तो प्लस 10 माइनस इनफाइनाइट, तो आ जाएगा 1/2। तो फोकल लेंथ आगे प्लस 20। प्लस आना चाहिए था क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका प्लस में ही आएगा। अब अगर हम यहीं पर लेंस का डायरेक्शन चेंज कर दें ना, लेंस को पलट के रख दें ना, अगर इसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए, कि लेंस को हम ऐसे रखते हैं, तो भी फोकल लेंथ क्या रहनी चाहिए? 20 ना। फिर से आप ऐसे ही निकालोगे, ये 10 था ना, आर की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 3/2। फिर से आप ऐसे निकालोगे 1/f इक्वल टू म्यू 2/μ1, बाहर का μ1 जो है 1 है ना, 1/r1 माइनस 1/r2। अब r2 क्या है? माइनस 10। अब r2 किस साइड पड़ेगा? इस साइड को पड़ेगा ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में। आना भाई? हाँ सर। तो इससे फिर से वही f आ जाएगा प्लस 20। मतलब फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि लेंस को हम कैसे रख रहे हैं। हमने बाय कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा किया था, बट मैंने एक प्लेनो लेकर के भी समझा दिया कि देखो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
ये प्राइवेट मैसेज क्यों हो रहा है? मैंने इसमें पब्लिक चैट का ही केवल अलाउ किया हुआ है, सभी लोग केवल पब्लिक वाला ही चैट करो ना। फिर देखो नेक्स्ट जब हम लोग देख रहे हैं लेंस फॉर्मूला। तेरा माइक ऑन है? यार ऐसे मजा नहीं आता यार, कायदे से तो ऐसे ही पढ़ाना चाहिए कि सबको अनम्यूट करके, लेकिन ये बच्चे समझते नहीं है यार। चलो देखो इधर, अब तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्म मेकर फॉर्मूला हो गया ना, सर लेंस फॉर्मूला भी हो गया ना। लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं हुआ है ना, लेंस फॉर्मूला ये होता है 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f। आ गया था सर आपका पूरा, क्या क्या पूरा निकल दिया था आपने, इक्वेशन आ गया था, 1 by u को f में डालना था ना, पूरा कर दिया था आपने। नहीं ना भाई, लास्ट टाइम तो लेंस मेकर फॉर्मूला ही किया है अभी तक। और लेंस मेकर फॉर्मूला के एंड में देखो क्या लिखा था आपने, 1 by v minus 1 by u equals mu 2 by mu 1 minus 1, वहां से सब्स्टिट्यूट किया था आपने 1 by f। तो मतलब आपने लेंस फॉर्मूला यूज करके लेंस मेकर फॉर्मूला निकाला था। हाँ तो लेंस नहीं, मैंने बाद में बोला ये अगर यूज किए होते तो ये यूज कर लेते अगर ये पढ़े होते, बट मैंने u को इन्फिनिटी डाल के v को f लिखा था। हाँ 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 वही वही वही। हाँ तो आ गया ना सर वो? नहीं ना भाई, फिर रुक गया। तो देखो अब इसको लिए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इसकी इमेज बनानी है। एक रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेके आएंगे जो कि अनडेविएटेड जाएगा, और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे, और इसको हम लोग आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे कहीं मान लेते हैं कि कट कर रहा है, तो ये जहां कट कर रहा होगा वहां पे हम लोग ऐसे इमेज बना देंगे। ये अगर मान लो ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश। हम यहाँ पे ये मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ है, इस पॉइंट को कुछ सी बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को। अब देखो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश देखें तो वो कैसा दिख रहा है। इसमें देखो ये एंगल अपोजिट एंगल है ना, ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश में ये देख रहे हो अपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्री है ना। अब दो एंगल सेम हो तो इसका मतलब तीनों एंगल सेम है, तो मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, सही बात है। हम यहां से बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल के हाइट का रेशियो बराबर होगा दोनों ट्रायंगल के बेस के रेशियो के, ठीक है। एक ये इक्वेशन लिख लेंगे। फिर देखो अगर हम देखें ट्रायंगल
अब हम ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल OC, यहाँ पे ये जो होगा इसको F लिख देते हैं, फोकल फोकस फोकस से पास हुआ होगा। तो अगर हम ट्रायंगल OCF देखें और F A डैश B डैश देखें, तो इसमें ये देखो एंगल अपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो यहां से भी हम देखो इसका और इसका रेशियो लिखेंगे और ये बराबर होगा इसके, तो यहां से ये रेशियो निकालेंगे और दोनों रेशियो इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशन से, तो डिराइव हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल OCF सिमिलर है ट्रायंगल F A डैश B डैश के, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं दोनों के हाइट का रेशियो बराबर होगा दोनों के बेस के रेशियो के, देखो हम लोग यहां पर ओसी हमें पता है कि ना ओसी हमें पता है कि यहां पर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ओसी इज इक्वल टू ए बी। तो हम यहां पर डाल सकते हैं इस जगह पे ना ओसी की जगह ए बी डाल सकते हैं, तो ए बी अपॉन ए बी डैश ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ एफ अपॉन एफ बी डैश ना, ये सेकेंड इक्वेशन में। अब हम दोनों इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू बोल सकते हैं कि ओ बी अपॉन ओ बी डैश बराबर होगा ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, हाँ सर। तो अब देखो ओबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ लिखे हैं तो ओबी को लिख सकते हैं माइनस यू, और ओबी डैश को क्या लिख सकते हैं प्लस वी। यहां पे हम लिख सकते हैं कि ओबी इज माइनस यू और ओबी डैश इसको ऐसे लिखो, एक सेकंड, अगर हम साइन के साथ लिखें तो हमारा यहां पे यू कितना है माइनस ओबी, तो मतलब हम ओबी की जगह क्या डाल सकते हैं माइनस यू। वी कितना है यहाँ पे ओबी डैश ना, वो प्लस में है ना, तो मतलब हम ओबी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं प्लस वी, और ओ एफ कितना है फोकल लेंथ प्लस में, तो मतलब जहां पे हमारा ओ एफ होगा ऐसे ओ एफ की जगह एफ डाल देंगे। तो ये सारी वैल्यू यहाँ इक्वेशन में डालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा क्या क्या है OB अपॉन OB डैश बराबर है OF अपॉन में FB डैश। OB कितना हो रखा है माइनस U और OB डैश कितना है प्लस B, OF कितना है F और FB डैश कितना है, देखो ये FB डैश कितना बोलेंगे, FB डैश कितना बोलेंगे, OB पूरा B है ना, OB डैश B है, इसमें से लेंथ सबट्रैक्ट कर देंगे ना V माइनस F, तो ये हो जाएगा FB डैश। अभी मेरे को पूरा डिराइव कर लेने दो, फिर सब कॉपी करा रहा हूं ना। हाँ सर, V माइनस F, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस यू बी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। अब इसमें यू वी एफ तीनों से डिवाइड कर देते हैं ना, ये इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दो यू वी एफ से, तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन बाय एफ प्लस वन बाय वी इक्वल टू वन बाय, तो जिसको हम लिख सकते हैं वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय। तो ये हमने देखो लेंस फॉर्मूला डिराइव किया ना, फिर यहां से हम लोग अब लैटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी डिराइव कर सकते हैं। इसको हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं ना,
लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होते हैं? तो जैसे हमने इसमें देखा था, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, और ये इमेज की हाइट है, तो इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन। वही सेम चीज जो हमने मिरर के टाइम में पढ़ा था, वही यहाँ पे भी देख रहे हैं ना। ये हमारा मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट एच ओ है और इमेज की हाइट एच आई है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा एच आई अपॉन एच। अब देखो अगर हम इसमें साइन के साथ सोचें तो ऑब्जेक्ट की हाइट है जो एच ओ उसको बोलेंगे प्लस ए बी, और इमेज की जो हाइट है उसको बोलेंगे माइनस ए डैश बी डैश। एच आई इधर को है ना, तो ये जो हम साइन के साथ देखेंगे तो ये माइनस ए डैश बी डैश होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एच ओ इज प्लस ए बी और एच आई इज माइनस ए डैश बी डैश। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे माइनस ओ ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। फिर देखो हमने पीछे देखा था ए बी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश अपॉन ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए बी डैश क्या हो रखा है, ए बी अपॉन ए बी डैश क्या हो रखा है, ओ बी अपॉन ओ बी डैश है ना। तो हाँ सर, ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी डैश ऊपर है तो ओ बी डैश ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी, और ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है यू बी के टर्म में, ओ बी डैश प्लस बी है और ओ बी माइनस यू है, तो ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा वी अपॉन माइनस यू, तो आ जाएगा वी अपॉन, तो ये हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, सबको समझ आया ना क्या क्या हुआ है? हाँ, अब इसका डेरिवेशन शुरू से नोट कर लो, यहाँ से यहीं से नोट कर लेना। हाँ, करो सब लोग नोट। अरे सबको लिख लेने दे भाई। या तुम लोग पब्लिक चैट करो, कंफ्यूजन हो रही है, ये दो दो आर्यन ने दोनों प्राइवेट चैट कर रहे हैं और मैं कुछ बोलता हूं तो गलत मतलब समझते हैं। तो अच्छा, चार आर्यन है, क्या बात है। नेक्स्ट स्लाइड करूं? रुको सर, दो सेकंड।
एक सेकंड हाँ सर हो गया हो जाने के बाद बोल देना आसा। ठीक है डन सर एक डाउट हाँ बोलो अगर वो लेंथ मेकर फॉर्मूला में आपने जो डिराइव किया ना तो देखो लास्ट में क्या लिखा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल्स वो पूरा तो वहां पे अगर डायरेक्ट वन बाई एफ डाल दिया तो डिराइव नहीं हो जाएगा वहां कहां डिराइव हुआ वहां पे तुमने एक साइड को अपन डालेंगे इनफिनिट तो 1 बाय f आ जाएगा तो 1 बाय f इक्वल्स μ2 बाय μ1 माइनस 1 वो हो गया पूरा हां ठीक है वैसे भी बोल सकते हैं वैसे भी हां ठीक हां जस्ट भी बोलो सर लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हमने विदाउट साइंस डाले थे सारे पैरामीटर्स और यहाँ पे विद साइन ऐसा क्यों देखो यहाँ पे जो भी हमने डाला ना वहां पे हमने कोई साइन यूज ही नहीं किया था अभी साइन यूज करना था बट यहाँ पे अभी हमने जो निकाला वो सब क्या थे लेंथ थे ए बी था ओ बी था ये सब लेंथ थे वहां पे वो रेडियस था हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना कर्व सर्फेस का फॉर्मूला तो उस फॉर्मूले में तो हमें जो भी वैल्यू डालनी पड़ेगी साइन के साथ डालते हैं कर्व सर्फेस के फॉर्मूले में और हमने अभी वो बस सिंबल में लिखा था तो मतलब वो ऑलरेडी वो कर्व सरफेस से डिराइव है ना तो मतलब वहां पे साइन अभी डालना है और यहाँ पे हमने सब ये लेंथ यूज किए हैं अब हम या तो अगर देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव किए तो लेंथ के टर्म में कुछ ऐसा फॉर्मूला आया ना अगर हम यू बी एफ नहीं डालते ए बी ओ बी ये सब लिखे रहने देते और कॉन्केव के लिए डिराइव करते तो ऐसे ही लेंथ के टर्म में थोड़ा सा अलग फॉर्मूला दिखता लेकिन अगर हम दोनों में ऐसे सिंबल चेंज कर देंगे तो दोनों के सेम फॉर्मूले बन के आ जाएंगे तो इस पर्पज के लिए ये ऐसे सिंबल चेंज किया गया साइन डाल करके अब इसमें यू वी ये सब साइन के साथ है ना हाँ। ना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कॉन्वेक्स लेंस का अलग फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा और कॉनकेव का अलग तो कॉनकेव का डिराइव नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं करता तो दोनों के लिए थोड़ा साइन यहाँ पे देखते ना जो हम लोगों ने जो यहाँ वैल्यू ली है तो ये थोड़ी सी चेंज होती ये तो माइनस ही रहता ये फिर ये भी माइनस होता और उसको डालते OB के टर्म में O dash, B dash में थोड़ा अलग फॉर्मूला दिखता है लेकिन UB में डाल देंगे तो सब सेम बन जाएंगे अच्छा सर ठीक है
सर हर एक फॉर्मूला में साइन ही डालनी है ना, साइन से डालना है ना वैल्यू। हाँ आपको जो भी फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं सब साइन के साथ डालने हैं ना। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन देखा तो हमें देखो पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो दो टाइप का होता था ना, एक तो ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर। ट्रांसवर्स या फिर लैटरल, और एक होता था लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर। तो ये वाला तो हमने डिराइव कर लिया, अब ये वाला देख लेते हैं ना। तो इसमें मान लो हमने कोई लेंस लिया और भंडारी तू म्यूट कैसे हो जा रहा है सर? वो नेटवर्क इश्यूज थे तो बंद हो गया था। कुछ डाउट है तुझे? नहीं नहीं तो अनम्यूटेड ही है वो। क्या क्या अनम्यूटेड है वो? अभी किया। अच्छा सॉरी। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे रखते हैं ए बी, तो उसकी अब जो इमेज बनेगी वो मान लो कहीं इधर बनी ए डैश बी डैश, तो अब हम लोग ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें दो केसेस होंगे, एक तो जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो और एक जब नॉर्मल साइज का हो। तो अगर बहुत छोटा नहीं है वो ना, नॉर्मल साइज नॉर्मल अगर है वो नॉर्मल लेंथ का है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम देखो यहाँ पे साइन अलग से देख लेंगे, यहाँ केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो हम लोग ए की इमेज देखेंगे और बी की इमेज देखेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस ले लेंगे ना, जैसे मिरर में किया था। ए की इमेज बनाओ लेंस फॉर्मूले से तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, फिर बी की इमेज बनाओ ये डिस्टेंस आ गई, और इनका डिफरेंस ले लेंगे तो ये लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी ना, और इसको डिवाइड कर देंगे 2a माइनस 2b, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो एक तो ये केस होगा, दूसरा केस होगा जब लेंथ वेरी स्मॉल, अगर लेंथ बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये लेंस है और इसके आगे ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो u डिस्टेंस पर जो लेंथ होगी उसको आप एक तरह से बोल सकते हो du, और उसकी जो इमेज बनी उसको बोल सकते हो कि v डिस्टेंस पे जो लेंथ है वो v में हल्का सा चेंज है dv। तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई du का रेशियो हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग ये निकाल लेते हैं, हमें देखो पता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू होता है 1 बाई एफ, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मान लो हम लोग कोई भी अननोन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर कुछ dv बाई dx, मान लो x के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बाई यू स्क्वायर इंटू du बाई dx। तो इससे 1 बाय बी स्क्वायर डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय यू स्क्वायर डीयू बाय डीएक्स, तो डीएक्स डीएक्स कट जाएगा, डीवी बाय डीयू आ जाएगा ई स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। सब देखो वैसे ही टाइप का बन रहा है जैसे उधर हमने देखा था ना। ठीक है, क्लियर है सर? एक बार हाँ, वो आपको कैसे पता डी यू एक साइड में, मतलब
लेटरली इन्वर्टेड नहीं है, ये तो कोई भी हमने एक केस लेकर के ऐसे डिफाइन किया है ना। अब मान लो हम लोग अगर इसको देखें तो ऐसे सोचो, मान लो ये हमारा एफ है, ये टू एफ है, इधर ये यहाँ पे एफ मान लेते हैं, यहाँ पे टू एफ मान लेते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड, ये थर्ड, यहाँ पे ये वन डैश, ये टू डैश और ये थ्री डैश। तो अभी देखो हमें पता है कि सेकेंड डैश में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, थर्ड डैश में ना। हाँ। और जैसे जैसे ये जो हेड है अगर इस फोकस को टेन कर रहा होगा, मतलब अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये जो इसकी इमेज होगी वो किधर को टेंड कर रही होगी, इन्फिनिटी को। हाँ। मतलब जितना फोकस के क्लोज आएगा उतना वो वाला पार्ट उधर को जाएगा। अच्छा, तो ये हेड इधर है तो ये भी इधर को होगा, समझा। पर अगर कौन सी दूसरी एरिया में रहा और उल्टा हो गया तो फिर तो ML का फॉर्मूला बदल जाएगा, करके देख लो। हर केस में यही आता है, कर लेते हैं, यही आता है ना। एक सेकंड करके एक देख लेते हैं, जहां तक मुझे याद है सेम आता है हर में। मान लो यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये वन डैश टू डैश, तो अब देखो यहां पर अगर मैं ये 2f पर है, अभी देखो थर्ड डैश पे है तो उसकी इमेज सेकेंड डैश यहाँ पे बनेगी ना इस जगह पर। हाँ हाँ। और जब ये हेड 2f को टेन करेगा तो जो इमेज बनेगी उसकी भी ये 2f को टेन करेगी। हाँ। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों के हेड सेम डायरेक्शन में आ रहे होंगे ना। हाँ। तो वो हर केस में वही आ जाता है ना, प्लस ही आ रहा है हर केस में। ओके सर। हाँ राघव बताओ क्या डाउट है। डिफरेंशिएट क्यों किया है? डिफरेंशिएट देखो ये यहाँ पर देखो हमारा क्या था ना, जब ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है ना तो उसको हम एक तरह से मानते हैं कि यू डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो एक तरह से यू में हल्का सा चेंज है। ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम क्या सोच सकते हैं, यू का हल्का सा चेंज डी यू। और इमेज जो बनेगा वो मानेंगे कि कहीं वी डिस्टेंस पे जो इमेज बनी है ये लेंथ उसका डी वी बता रहा है, वी में हल्का सा चेंज। ठीक है समझो, जब बहुत छोटा होता है तो जो ये लेंथ होगी वो वी के आगे बहुत छोटा होगा ना, तो उसको हम डी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू के आगे ये जो लेंथ है उसको डी यू से। तो हमें क्या चाहिए, डी वी बाई डी यू का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो dv by du के रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके रेशियो निकाल लेंगे। मिरर में भी तो अपन ने किया था ना ये चीज, राघव समझ आया? ये मिरर में सेम चीज कर चुके हैं। सर वो कॉपी करना था
वेदांत क्या पूछ रहा है? स्फेरिकल मिरर में लीनियरली इन्वर्टेड बनती है इमेज। अच्छा, स्फेरिकल मिरर, हाँ उसमें लीनियरली इन्वर्टेड बनती थी, मिरर में लीनियरली इन्वर्टेड आती थी। वहां पे जब हम लोगों ने किया था तो यहाँ प्लस था ना, तो इसलिए इधर माइनस आ जाएगा जब डिफरेंशिएट करके करेंगे, तो यहाँ माइनस था। अब देखो ये हमारे सारे फॉर्मूले वाले पार्ट हो गए, अब हम लोग इनको यूज करना समझते हैं ना। अब मान लो एक प्रॉब्लम करते हैं, जैसे हमने पीछे बोला कि भाई अगर फोकल लेंथ हमारी कुछ एफ है और एफ टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हमने, तो उसकी इमेज इधर थर्ड डैश में बनेगी। तो ये एक बार आप अब ये सॉल्व करके देख लो ऐसा हो रहा है कि नहीं। मान लो हमने एक रेडियस ऑफ कर्वेचर एक साइड का 10 सेंटीमीटर है, एक साइड का 20 सेंटीमीटर है, म्यू 3/2 है और जब फोकल लेंथ दे ही देता हूं ना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा कि ये कहां पे रखना था। हाँ सर, तो मान लो यहाँ पे एक लेंस लिया हमने जिसकी फोकल लेंथ कुछ मान लो 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके आगे ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट है 1 mm। तो हमें बताना है कि फाइंड इमेज पोजीशन और हाइट ऑफ इमेज। करो ये वो यू के लिए है यू 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 ये 10 है ना, ये यू मान लो 15 सेंटीमीटर है। सर हाँ, 30 पे बन प्लस 30 पे और 2 mm में उल्टी उल्टी 2 mm में। हाँ, ये देखो केवल फॉर्मूले की प्रैक्टिस है, बट एक बार आपको आइडिया इससे लग जाएगा जो हमने बोला उस टाइम पे कि मान लो कि इस रीजन में रखेंगे तो इस रीजन में इमेज बनेगी, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो ना। हम देखो साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इधर कोई इंसिडेंट रे होगी ना, तो सारी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे और जो कुछ भी इधर को होगी वो प्लस में लेंगे और जो कुछ भी इधर को होगी वो माइनस में। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो होगा वो प्लस में लेंगे, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 15। ये कुछ लैग कर रहा है, लिखता हूँ कुछ अजीब सा बन जा रहा है। और फोकल लेंथ की वैल्यू प्लस में होगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और इस फॉर्मूले में डाल देंगे 1/v - 1/u = 1/f। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ यार, वीडियो में एक बहुत दिक्कत चल रही थी कि कैलकुलेशन करना पड़ता था मुझे और उसमें तुम्हें पता ही मैं कितना मचा देता हूँ। तो फिर मैग्निफिकेशन निकालें b/u, तो वो कितना आ जाएगा, b प्लस 30 है और u की वैल्यू माइनस 15 है, तो ये माइनस 2 है। तो यही होता था ना जो हम लोग यहाँ रखते थे सेकेंड रीजन में, तो इधर थर्ड डैश में बनता था। 30 कहाँ पे आ जाएगा, 2f के इधर आ जाएगा ना, f अगर 10 है तो 2f 20 होगा ना, तो 20 के इधर आ जाएगा और ऐसे इन्वर्टेड बनता था।
और मैग्निफिकेशन 2a इसका मतलब क्या है कि साइज में डबल हो गया है और माइनस मतलब इन्वर्टेड है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी यहाँ से 2mm ना, ये बराबर कर देंगे हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1mm है तो वहां से हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज 2mm आ जाए माइनस में। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर, सर वो पिछला सॉल्यूशन देखने दो ना बैक करके। हाँ बस हाँ सर, वो नोट कर लिया सबने? हाँ सर। अब ऐसे एक और फॉर्मूले वाला प्रैक्टिस वाला प्रॉब्लम करना है। मान लो एक हमें कॉनकेव लेंस दिया हुआ है और इसके फोकस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकस इसकी 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 पे रखा हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ 1mm है, तो हमें बताना है फाइंड पार्ट वन पोजीशन ऑफ इमेज और दूसरा हाइट ऑफ इमेज। तूने ये पूछा था ना डाउट राज की, अगर इधर फोकस पे रखा होगा कॉनकेव के लिए तो क्या होगा, इसी करो इसको। सर माइनस 20 पे बन रहा है और मैग्निफिकेशन प्लस 2 है। हाँ प्लस 2 नहीं आएगा, 1 से कम आना चाहिए। प्लस में आएगा लेकिन 1 से कम। और कितना इमेज कहाँ पे बना है? माइनस 20 पे। नहीं नहीं नहीं, हाँ गलत है, रुको। कहीं पे भी रखोगे कॉनकेव लेंस के सामने तो हमेशा कहाँ बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। हाँ कथन ऐसे ही आना चाहिए, माइनस 5 से ही लग रहा है। हाँ सर, वो प्लस नहीं आएगा माइनस ही आएगा। कॉनकेव में क्या होता था, अगर हम इधर कहीं पे भी रखते थे तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनती थी। हाँ सर, माइनस 1 नहीं, इधर कोई मतलब नहीं है फोकस है या क्या, इधर सामने कहीं पे भी रखेंगे हर एक के लिए वही सेम आएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई जगह पर है ना। यू की वैल्यू यहाँ पे बोलेंगे माइनस 10, फोकल लेंथ बोलेंगे माइनस 10, कॉनकेव लेंस है तो उसके लिए माइनस में फोकल लेंथ हमेशा डालेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो V निकालना है, ये वैल्यू डाल दिया, तो इससे V आया है माइनस 5 ना, तो इससे मैग्निफिकेशन हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा V/u, मतलब माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 10 मतलब प्लस हाफ, क्योंकि यहां पे इमेज ऐसे बनती थी ना जब लोग रे लेके आते थे तो एक रे मान लो हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं और एक रे ऐसे लेके आते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से आता दिखेगा, फोकस से। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें ये फोकस से आता दिखेगा, ये तो सीधे निकल गया, ये ऐसे आया था फिर इधर को गया, तो पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ कट हो रहा है ना,
तो यहाँ पे हमारी इमेज बनी है, तो इमेज सीधी बनेगी, वर्चुअल होगी और छोटी डिमिनिश्ड है ना, प्लस हाफ का मतलब, प्लस का मतलब इरेक्ट और हाफ का मतलब आधी साइज की हो गई ना, डिमिनिश्ड हो गई है। ठीक है, क्लियर सबको? हाँ सर। तो ऐसे हमने जो भी पीछे इमेज के लोकेशन देखे थे ना, उनको हम ऐसे फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं कि इस रीजन में है तो इसमें आएगा कि नहीं। अभी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे चेक कर लो, बट एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर। एक और करते हैं, थोड़ा कलर वलर यूज किया जाए। मान लो एक कोई कॉनकेव लेंस है, इसके ऊपर कोई कन्वर्जिंग बीम आ रही है, ये कन्वर्जिंग बीम, अगर लेंस नहीं होता तो लेंस के पीछे कुछ मान लो 20 सेंटीमीटर पीछे कन्वर्ज हो जाती, लेकिन लेंस है तो वो कहाँ कन्वर्ज होगी ये बताना है। और इसके लिए इधर वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कुछ 10 सेंटीमीटर, इधर वाले का 20 सेंटीमीटर और इसका म्यू है 3/2। क्वेश्चन क्या है हमारा? कन्वर्जिंग, ये चल क्या रहा है यार, देखता हूँ कुछ और बन कर रहा है, कैसे हो गया ये? नहीं, हाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक्चुअल में, ये क्या है कुछ पता नहीं, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, लिखने में बड़ा दिक्कत आ रहा है मुझे अभी। कुछ लिखता हूँ कुछ और बन जा रहा है। सर वो वायर देखो, वायर क्वेश्चन यही है कि कोई लेंस के अगर नहीं होता तो उसके 20 सेंटीमीटर पीछे कन्वर्ज हो रही थी बीम, बट लेंस रखा है तो वो कहां पे ना, यहां से रिफ्रैक्ट होकर के फिर कहीं इधर कन्वर्ज होगी, तो वही बताना है कहां कन्वर्ज होगी। सर आप लिखते किस हैं, आप लिखते किस, लिखता हूं मन में सोचता हूं लिख देता हूं। वेन टैबलेट से लिख रहा हूं, एप्पल वाला नहीं यार मेरे पास, एप्पल वाला नहीं है, नॉर्मल वाला है, आईपैड नहीं है मेरे पास, लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ ना। एक सेकंड, तो फिर अच्छा अच्छा हाँ समझ गया। अरे वो ग्राफिक वो टैबलेट होता है ना उसके थ्रू। ये देखो ये है लिखने वाला, इस पे लिखना पड़ता है। कहाँ पे कहाँ, रुको रुको मैंने देखा नहीं। हाँ ये पेन है उसका, इतना ज़्यादा इधर लिखना पड़ता है उधर देखना पड़ता है, ये बहुत दिक्कत रहती है इसमें। टैलेंट है सर,
टैलेंट ऐसे ही देखो लोग खुश हो जा रहे हैं, पार्टी मांगने लग गए. नया नहीं है ये, नया होता तो जो और पार्टी मिलती. ये 10 साल पुराना है और अभी मैंने यूज करना शुरू किया तो फिर से व्हाइट होने लग गया है. नहीं येलो पड़ गया था रखे रखे ये. सर फोन की पार्टी. हाँ सर फोन कौन सा है जो 4-5 साल पहले लिया था वो वाले की बात करो क्या? घर की पार्टी था ना सर, नया घर लिया ना. कौन सा जो 10 साल पहले लिया था वो वाला? क्या सर हो गया, प्रॉब्लम लिख लिया? हाँ सर हो गया. इसकी फोकल लेंथ निकाल लिए कितनी आई? हाँ -40 लेंथ 40/3 -40/3 -40/3 देखो यहाँ पे हमारा बाहर एयर है ना, तो म्यू वन कितना हो रखा है 1 और म्यू टू कितना हो रखा है 3/2. आर वन देखो इस बार किधर पड़ेगा, आर वन देखो ये कर्व सरफेस है ना, इसका रेडियस इस साइड आएगा तो वो निगेटिव मिलेंगे ना, तो वो -10 और आर टू की वैल्यू प्लस में 20. तो ये सारी वैल्यू हम लोग फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में डाल देंगे. 1/f = μ2/μ1 3/2/1 - 1 1/r1 - 1/r2. ये फॉर्मूले वाला माइनस है ना, इसको हमने प्लस में लिखा है r2 को, तो ये हो गया 1/2. ये कितना हो जाएगा -3/20 ना 40. तो फोकल लेंथ हो गई -40/3. ठीक है. हाँ सर. अब हमें फोकल लेंथ पता है. अब देखो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, अब ये रे रिफ्रैक्ट होके कहां कन्वर्ज होगी ये निकालना है, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बीच में ला सकते हैं और जहां कन्वर्ज होगी वहां बोल देंगे इमेज बनी है ना. हाँ सर. बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और जहां जाके कट होगी सच में रे, वो वहां बोल देंगे रियल इमेज है. तो यू कितना पकड़ेंगे इस बार, इंसिडेंट रे देखो ऐसे आ रही है ना, तो इधर को प्लस में लेना है और यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसी डायरेक्शन में है ना, तो यू प्लस 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ -40/3 ना. अब ये सारी वैल्यू डाल दू, यू की वैल्यू प्लस 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ -40/3. ये सबको क्लियर है ना यहाँ तक? और वी निकालना है, लेंस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे हम लोग 1/v - 1/u = 1/f. वैल्यू डालने पे यू वी कितना आ जा रहा है? -40. हाँ ठीक है ठीक है. आप उससे रिलेट भी कर सकते हो ना कि कॉनकेव लेंस के इस साइड में 1-2-3 लिखो, तो अगर ये 2 में होगा तो इधर के 3 में आया होगा इमेज ना. यहाँ पे ये क्या हुआ होगा, ये ऐसे कुछ यहां से रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे बाहर को गया होगा, तो पीछे अगर हम एक्सटेंड करें तो कहीं इधर से आता दिख रहा होगा ना. माइनस मतलब इस साइड को इमेज बन रही है ना. ठीक है क्लियर है पॉइंट? ये नोट करना है ये वाला साइड अभी, ये स्लाइड. हाँ सब हो गया. हो गया है. चलो फिर अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं.
एक कोई हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ है कुछ 10 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज डबल एज हाइट ऑफ इमेज ना हाइट ऑब्जेक्ट्स के अगर कंपैरिजन में डबल हाइट का इमेज बन रहा है तो हमें बताना है कि एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहां पर हमें ये ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। सो पर वो उल्टा है सीधा है वो ये नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दोनों केसेस लेने हैं। अच्छा अच्छा ओके, अब दो पॉसिबल पोजिशन बताएंगे। यस सर। सर माइनस फाइव और माइनस फिफ्टी नहीं क्या? माइनस फाइव और माइनस फिफ्टी, एक मिनट। हेलो, हाँ गेट पे दे दीजिए सिक्योरिटी। कर ले आप? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे डबल साइज बोला और कुछ नहीं बताया कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, मतलब हम दोनों केस लेंगे। हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस दोनों टाइप की इमेज बना सकता है, इन्वर्टेड भी मैग्नीफाई करके बना सकता है और इरेक्ट भी मैग्नीफाई करके बना सकता है, तो हम दोनों केसेस ले लेंगे। अब मैग्निफिकेशन बताए, अब हम लोग देखो एक काम ये कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है बी और यू के टर्म में हमें पता है, तो इसको या U और F के टर्म में चेंज कर लें या B और F, दोनों फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। अगर वो फॉर्मूला बना लेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज हमें पहले M की वैल्यू यहाँ 2 डालनी पड़ेगी, B U में रिलेशन निकालना पड़ेगा और वहां से चलना पड़ेगा। ठीक है, समझ जाओ ना? हाँ सर। तो हम लोग ये फॉर्मूला बना लेते हैं पहले मैग्निफिकेशन का। तो देखो हमें पता है 1/V - 1/U = 1/F, हमें V बाई यू चाहिए यहाँ पे ना, तो अगर हम इस पूरे में U से मल्टीप्लाई कर दें ना, U से नहीं V से मल्टीप्लाई करूं सर, U और F में रिलेशन चाहिए ना, तो U से मल्टीप्लाई करो। अच्छा अच्छा ओके, तो U by V minus 1 equal to U by F, तो ये आ जाएगा U by V equal to 1 plus U by F, तो V by U की वैल्यू आ जाएगी F over F plus U ना। तो हमारा ये मैग्निफिकेशन अगर डायरेक्ट हमें यू के टर्म में यूज करना है तो ऐसे कर सकते हैं। C
सेम वे में हम लोग वी के टर्म में भी बना सकते हैं ना, तो एक बार फॉर्मूला तो देख ही लेते हैं फिर ये सॉल्व करते हैं. 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. जिसके टर्म में फॉर्मूला बनाना है उसी से मल्टीप्लाई करना है ना दोनों साइड, तो v से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये m हो जाएगा यहाँ से m आ जाएगा 1 माइनस u by f. तो ये हमारा m का ये भी एक फॉर्मूला हो गया ना. कोई ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत डिराइव भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मुझे दो बार सॉल्व करना पड़ता अगर मैं फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, इसलिए मैंने कर दिया. तो अब देखो m इक्वल टू अगर हमें यहाँ पे हमें किसके टर्म में सॉल्व करना है, u के टर्म में, u बताना है हमें, यही आया था ना फॉर्मूला हमारा u के टर्म में. यस सर. तो एक बार m को प्लस टू लिखेंगे एक बार माइनस टू लिखेंगे और f की वैल्यू डाल देंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी ना. तो m की वैल्यू एक बार हमने प्लस टू ले ली, तो प्लस टू इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी दी हुई थी, प्लस टेन ना, कॉन्वेक्स लेंस है तो u by u. तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 u इक्वल टू 10. तो u इससे आ जाएगा माइनस 5 सेंटीमीटर. सेम टाइप से अब दूसरा यूज कर लेंगे, m इक्वल टू माइनस 2 माइनस टू इक्वल टू 10 ओवर 10 प्लस, तो इससे यू कितना आ जा रहा है, प्लस 15 प्लस थोड़ी माइनस ही आएगा दोनों केस में, कितना है माइनस 15 माइनस 15 ऐसे दो पोजीशन हो गए. हाँ यहाँ पे देखो एक तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, ये 10 सेंटीमीटर में फोकस होगा ना, तो इसके बीच में 5 वाला जो आंसर है यहाँ रखे होंगे तो वो इरेक्ट ये पीछे होगा ना, वर्चुअल इमेज इन लास्ट. तो इसलिए प्लस वाले केस जो हमने लिया पहला केस, तो उसमें ये बना आया माइनस 5, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आया. और दूसरे केस में यहाँ पे कहीं रखा है 15 का मतलब यहाँ कहीं है, तो पीछे इधर के साइड में इन्वर्टेड इमेज है ना, माइनस मतलब इन्वर्टेड. ठीक है, यस सर. सर वो कॉपी करना था. अच्छा कहां से, यहां से नहीं, यहां से नहीं, ये हो गया. हाँ ये भी करना होगा सर. अच्छा हाँ सर करो, कर लिया है मेरे. ये फॉर्मूला डिराइव किया ना f ओवर f प्लस u, ये करना होगा. यार थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है मोबाइल डेटा में यूज कर रहा हूँ उससे दिक्कत हो रही है, तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ना, देखता हूँ उससे कुछ इम्प्रूवमेंट होता है क्या. लिख के देखो तो सर. अच्छा अभी तो सही लग रहा है. हाँ सही है.
सर हो गया हो गया हाँ सर चलो अब एक प्रॉब्लम करते हैं. सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है. इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 15 सेंटीमीटर पर है. अब अगर हम इसको इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां से कट कर दे लेंस को और इसको 1 mm ऊपर खिसका दे अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को नीचे को 1 mm खिसका दे, तो हमें बताना है कि जो नई इमेज बनेगी दोनों लेंस से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी. मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस अब भी वहीं पर है. सर कितना किसका 1 mm किया गया है. यार इस प्रॉब्लम से पहले हम लोग एक और प्रॉब्लम कर सकते थे. चलो अच्छा करो करो. टू एम एम नहीं नहीं और 6 mm हाँ कथन उसी टाइप का कुछ सोचोगे ना डिस्टेंस बिटवीन टिप लेकर के कुछ ऐसा. सिक्स एमएम ही है सर. अच्छा ये देखी ले तो
ठीक है सॉल्व कर ले। हाँ देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जैसे ये एक लेंस है, इसके वजह से मान लो कहीं यहाँ पे इमेज बन रही है। अब अगर हम यहाँ पर उसका आधा पार्ट, नीचे वाला पार्ट मान लो कवर कर दे, आधा लेंस कवर कर दे, तो उससे इमेज की पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो जैसे इमेज बनाने के लिए क्या हो रहा है, यहां से कुछ रे आ रही है, बहुत सारी रे आ रही है, सब यहीं पे कन्वर्ज हो रही है। तो अगर मैं इतने पार्ट को कवर कर दूंगा तो इस पार्ट से रे नहीं जा पाएगी, लेकिन ऊपर से तो अब भी जा रही होगी ना, कई सारी रे जो यहाँ कन्वर्ज होगी, तो अब भी वहां पे इमेज बनेगी। बस क्या होगा, कम रेज पहुंचेंगे ना, तो उसके वजह से इंटेंसिटी जो होगी रे की, ब्राइटनेस, वो चेंज हो जाएगी, है कि नहीं ना? इमेज कम इंटेंस दिखेगा, लेकिन पोजिशन इमेज की चेंज नहीं होगी। यस सर, क्लियर है पॉइंट? तो ये पॉइंट पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट में कई बार पूछा गया है। केवल इंटेंसिटी चेंज होगी, पोजीशन नहीं चेंज होगी। पोजीशन ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ भी चेंज नहीं हुई है ना, जो भी पार्ट हमारा है उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई है। अगर हमने मान लो इतने पार्ट को कवर कर दिया, नीचे वाले पार्ट को, और ऊपर से कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, तो वो अब भी वहीं पे कन्वर्ज होगी ना जहां पहले होती। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा ना एक पार्ट कवर कर देने से। अब देखो, जैसे हमने अगर एक लेंस था और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, तो कहीं यहां पे इमेज बनी। अगर हम यहीं पर बस हाफ लेंस रखते ऐसे, यहां पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज अब भी वहीं पे बनेगी ना? बस कम इंटेंसिटी की बनेगी, फोकल लेंथ सेम बना रहेगा, डिस्टेंस सेम बना रहेगा ना इमेज का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। लेकिन देखो, अब इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है, लेंस को डिस्प्लेस कर दिए हैं। लेंस अगर हमने डिस्प्लेस कर दिया तो एक तरह से अब आधा लेंस यहाँ रखा हुआ है, मतलब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया ना। हाँ सर, प्रिंसिपल एक्सिस इसका खिसक गया है, ऊपर चला गया है, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर चला गया है। यार जो भी हैंड रेज किया करो, वो जो डाउट है वो बताया करो, हैंड रेज करके भाग जाते हो तुम लोग, पता नहीं क्या करते रहते हो। अभी किसने हैंड रेज किया था, क्या नाम था इसका? डाउट रहे तभी रेंज करो ना, मेरे को फिर देखना पड़ता है, बार बार डिस्टर्ब होता हूं मैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम मानेंगे कि ये वाले लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर आ गया है, और नीचे वाले लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर आ गया है। आप ऐसे मानोगे कि इसका हाफ लेंस कवर्ड है, हाफ लेंस ही अवेलेबल है ना, इसका आधा लेंस कवर्ड है, हाफ लेंस अवेलेबल है। तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा, एक तरह से ये ऑब्जेक्ट का टिप देखना है हमें बस। हम इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसके हमें टिप की इमेज बनानी है, बस पूरे ऑब्जेक्ट का बनाओ और बस हेड देख करके इमेज लोकेट करो, और ऊपर वाले लेंस के लिए नीचे को ऐसे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है तो 10 इसका भी है, 10 इसका भी है ना, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी लेंगे, 1 mm,
इसके लिए भी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी लेंगे 1 mm। इमेज को हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, 1/v - 1/u = 1/f में वैल्यू डालेंगे, u की वैल्यू कितनी हो रखी है -15, f की वैल्यू कितनी है 10, तो इससे v कितना आ जा रहा है, कितना आ रहा है 30 ना, प्लस में 30 आया, तो इससे मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज होगी वो इधर कहीं 30 पे बनेगी ना, 30 वाले प्रिंसिपल एक्सिस पे 30 के ऊपर। अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 1 mm, यहाँ पर ये इसको हम ऑब्जेक्ट की हाइट मानेंगे, तो 1 mm का डबल साइज का इन्वर्टेड इमेज, तो यहाँ से इन्वर्टेड इमेज ऊपर को बना देंगे, तो इमेज यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐसे कुछ इमेज है जिसका हमें बस टिप देखना है ना, क्योंकि पूरा तो एरो है ही नहीं है, एरो का टिप है तो इमेज का भी बस टिप आएगा ना, बाकी पार्ट नहीं आएगा। और ये हाइट कितनी आएगी इसकी 2 mm। सेम वे में इससे भी वही है, इसके लिए भी यू वही सेम बना हुआ है, वी सेम आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर को है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इन्वर्टेड इमेज नीचे को आएगी, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। और ये भी कितने हाइट का होगा 2 mm, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 mm, ये भी 2 mm है और ये भी 2 mm, टोटल पूरा यहां से यहां तक देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 mm। फाइनल आंसर हमारा जो होगा डिस्टेंस जो है वो 6 mm है। सभी को क्लियर है? सब पिछला दिखा सकते हो क्या जो नोट लिखवाया था? हाँ ये जी इसमें लिखना है, सुजल बोलो सर, पोजीशन ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, पोजीशन ऑफ इमेज पे फर्क नहीं पड़ा। देखो आप ऐसे समझो कि मैं ये लेंस है, लेंस के यहाँ पे 15 cm पे ऑब्जेक्ट रखूँ या यहाँ पे रखूँ, इमेज तो आप वैसे ही बनाओगे, यहाँ पे होगा तो बस ये हाइट ले लोगे। हाँ सर ना, तो वही चीज है, बस यहाँ रखा है और ये उसके लिए हाइट है, आपको ये डिस्टेंस देखना है यू के लिए, तो दोनों के लिए यू सेम है। हाँ सर, हाँ सर, हो गया। रुको सर, दो मिनट, दो सेकंड। हो गया ना ये सर, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। हाँ हो गया। अब देखो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और हम लोग डिटेल में देखते हैं। मान लो हमने एक लेंस लिया,
इसके आगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से हमने कुछ पार्ट कट करके हटा दिया, मान लो यहां से इतना पार्ट कट किया और इतना पार्ट कट किया, जितना पार्ट कट किया वो एक तरह से हटा दिया है ना। तो अब हमारे पास केवल कितना लेंस दिख रहा है, ऐसे लेंस दिख रहा है और यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो इस टाइम पे हमें बताना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेज। तो सब लोग बताओ यहाँ पे कितने इमेज बनने चाहिए, वन वन है क्या सर? वन हाँ वन। 2 मिनट रुको और लोगों का भी आंसर सुन लेते हैं। राघव बोलो क्या डाउट है। राघव कहाँ गए? अनम्यूट हुआ कि नहीं तू? हाँ राघव बोलो क्या डाउट है। वे डाउट है ऐसे मजे ले रहे हो तुम। यार अब ऐसे करेगा तो अगली बार से डाउट होगा तो भी नहीं देखूंगा। सर गलती से हुआ था। अच्छा देखो इसमें तीन तीन चार चार इमेज बना दे रहे हैं सब लोग। तो देखो भाई ऐसा नहीं है कि तीन तीन चार चार इमेज दिखेंगे। अगर देखो मैं यहाँ पे इसी चीज को ऐसे पूछता, ये एक लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैंने इतना पार्ट कवर कर दिया, यहाँ पे थोड़ा कवर कर दिया, यहाँ थोड़ा कवर कर दिया, तो कितने इमेज बनेंगे? तो आप क्या बोलोगे कि ज्यादा इमेज बन जाएंगे कवर करने से? कवर करने से अगर मैंने मान लो लोअर हाफ कवर कर दिया तो भी तो एक ही इमेज बनी थी ना, बस इंटेंसिटी कम हुई थी। मैं जितना पार्ट कवर कर दूंगा उतने पार्ट से रे नहीं जाएगी, बाकी पार्ट से तो अभी वैसे ही जा रही होगी ना। हाँ सर। हमारी इमेज कैसे बनती है, यहाँ से रे जाती है सभी जगह से और सब जाके कन्वर्ट हो रहे हैं ना, सभी जगह से ऐसे जाकर के रेज कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने देखा। एक मिनट सुजल का डाउट देख। सर पिछले केस में क्या अलग था फिर? क्या क्या पिछले केस में दो इमेजेस बन रही थी ना? नहीं पिछले केस में लेंस को मूव करा दिया था। अगर मैं लेंस को यहीं से कट करके यहीं रहने देता, अगर मैंने दोनों पार्ट को कट किया और यहीं रखे रहा तो एक ही इमेज बनेगी। सर कट करके इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो अब दो लेंस रखे एक तरह से। सर पिछले केस में हमने बीच का पार्ट ही कवर कर दिया, ऐसा नहीं बोल सकते क्या? नहीं देखो उसमें क्या हुआ था, आपने जैसे मैं यहाँ से बीच से कट करूं और उसको मूव नहीं कराऊं, ऐसे रहने दूं, तो कोई चेंज आएगा? नहीं। लेकिन उसमें क्या हुआ था, कट किया और इस पार्ट को ऊपर कर दिया, तो अब एक तरह से लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर चला गया। तो यहाँ पे एक लेंस है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, जिसका अदर हाफ कवर है एक तरह से मान लो, और दूसरा लेंस नीचे खड़ा, नीचे मूव कराया। अगर नीचे मूव कराएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस भी मूव कर जाएगा साथ में। तो अभी नीचे यहाँ एक लेंस है जिसका लोअर हाफ है, अपर हाफ नहीं है, और उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस। और इस सिचुएशन में क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस अपनी जगह है ना, प्रिंसिपल एक्सिस मूव नहीं किया है। हाँ अभिलाष ना, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस मूव नहीं किया है, पिछले प्रॉब्लम में प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर गया था, तो दो लेंस अलग अलग हो गए थे। अगर मैंने इनको मूव नहीं कराया तो क्या होगा, जैसे पहले पूरा लेंस रखा था तो यहां से रे गई यहां कन्वर्ज हुई, यहां से रे गई यहां कन्वर्ज हुई, सब ऐसे कन्वर्ज हो रहे थे। अब भी वही चीज होगी, यहां वाली रे यहां कन्वर्ज हो रही होगी, यहां वाली रे यहां कन्वर्ज हो रही होगी, बस यहां वाली रे नहीं आ पा रही है, तो नंबर ऑफ इमेज तो वही रहेगा ना, एक ही रहेगा, कम रेज बस कन्वर्ज होंगे, यहां वाली रे नहीं होगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। समझ
समझो, अब अगर मैं इस पार्ट को उठा के थोड़ा ऊपर खिसका दू, अगर मैं ऊपर उठा दिया मतलब ये पूरा लेंस ही एक तरह से ऊपर चला गया जिसका इतना पार्ट नहीं है, अगर मैं इस पार्ट को मूव करा दूंगा तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर जाएगा, फिर ये लेंस इससे अलग हो जाएगा। हाँ सर, ना अगर मैंने लेंस के पार्ट को मूव नहीं कराया तो ये सब एक ही लेंस के पार्ट है ना, जिसका कुछ पार्ट कवर्ड है ही नहीं है वो। हाँ सर, तो हाँ सबका शांतनु सबका प्रिंसिपल एक्सिस अभी सेम है ना, ये सारे पार्ट का सेम है, कुछ पार्ट बस हट गए, बाकी सब अपनी जगह ही रखे ना। जब तक पार्ट को मूव नहीं कराएंगे तब तक प्रिंसिपल एक्सिस चेंज नहीं करेगा, तो यहां पर बस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज वन ही रहेंगे ना, नंबर ऑफ इमेज वन रहेंगे, बट उनकी इंटेंसिटी जो होगी वो चेंज कर जाएगी ना, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर। कभी भी हम लेंस को अगर कट करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट करते हैं और पार्ट को मूव नहीं कराते तो बस इंटेंसिटी चेंज होती है, पार्ट मूव कराते हैं तो फिर ज्यादा इमेज बनते हैं, इंटेंसिटी तो चेंज होगी ही बट इमेज भी फिर ज्यादा बनेंगे। अब देखो जो, हाँ ये लिखवाता हूँ, आ रहे हैं ना सब, अभी एक साथ लिखाता हूँ, चलो यहीं पे पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया कि if we cut or cover some part of lens and parts are not moved, ना जो भी कट किए पार्ट अगर मूव किए हैं तो पोजीशन चेंज नहीं होगी और नंबर ऑफ इमेज भी चेंज नहीं होंगे। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस चेंज होगी ना, ब्राइटनेस राघव, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस से मतलब है, ज्यादा ब्राइट या कम ब्राइट कैसी इमेज दिखेगी इसकी बात हो रही है। सर पैरेलल मूव करा है तो, पैरेलल मूव कराओगे तो फिर देखो जैसे मैंने इस लेंस को यहां रख दिया तो अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस यही है, लेकिन इस लेंस के लिए फिर यू चेंज हो जाएगा, इस लेंस के लिए यू अलग होगा और इसको यहां रखा तो इसके लिए यू अलग होगा, तो भी वही हो जाएगा ना, फिर दो इमेज बन जाएगी।
देखो सबको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट से इमेज बन कैसे रही है। इससे बहुत सारी रे निकल रही है और सब जाकर के इधर कहीं कन्वर्ज हो रही है। आपने कुछ पार्ट कवर कर दिया या कुछ पार्ट हटा दिया तो उससे क्या हुआ है, उतनी रे नहीं जा पाएंगी, बाकी रे अब भी वैसे ही जा रही है, तो इसलिए ब्राइटनेस चेंज हुई। लेकिन अगर अब मैं कट करने के बाद इस पार्ट को ही मूव करा दूं तो फिर तो चीजें चेंज हो गई ना, फिर अब ये फिर नई पोजीशन से ये रे जा रही है तो अब चीजें चेंज होंगी। फिर अगर हमने पार्ट को मूव नहीं कराया तो बस ब्राइटनेस ही चेंज होगी। वेदांत देख भाई ये यू कैसे चेंज हो रहा है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस इस यू का कहां पर है, इस वाले पार्ट का ये है, तो ऐसे यहां रखूंगा तो भी यहीं पर आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो ये यहां होगा, तो इसके लिए यू चेंज हो जाएगा ना, और इसके लिए यू ये रहेगा, ये लेंस यहाँ आया तो इसके लिए यू इतना होगा, तो इसलिए यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई सबको, इसको मूव कराने से यू चेंज हो जाएगा। ऊपर को मूव कराया तो हाइट चेंज होगी, और ऐसे मूव कराएंगे तो यू चेंज होगा। अब ये इसमें अभी और करना था थोड़ा, चलो अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है फिर, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।